हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होप यू आर फिट एंड फाइन देयर एंड एंजॉयिंग द टाइम एंड पासिंग देयर टाइम विथ द बुक्स एंड माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच ये ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग मैंने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया वैसे तो मैंने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए एक सत्रह वीडियो बना करके मैंने फुल डिटेल में आपको नरेशन समझाया है और इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सारे नरेशंस को आप देख सकते हैं वहाँ पर आप टेंस और सेंटेंस की भी वीडियो देख सकते हैं तो आज मैंने इंडायरेक्ट नरेशन पढ़ाना इसलिए चाहा है कि मैं उसको बताना चाहूँगा कि टेंस के परिप्रेक्ष्य में इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है तो हम जानते हैं नरेशन क्या होता है नरेशन मीन्स कथन जो कुछ भी हम कहते हैं वो नरेशन कहलाता है नरेशन दो प्रकार का होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन क्या होता है वक्ता के द्वारा तो कही गई बात को ज्यो का त्यो कह देना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है ये दिया हुआ है ऊपर दिया मैंने दे रखा है जब किसी कथन को वक्ता के शब्दों में ज्यो का त्यो ना कहकर किसी अन्य के शब्दों में कहा जाता है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन करने के नियम कौन कौन से हैं इनडायरेक्ट नरेशन करने का जैसे पहला नियम कहता है कि अफॉर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कि की -की अंग्रेजी दैट लगाया जाता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और प्रोनाउंस भी इनडायरेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बदल जाते हैं जैसे इसका नियम कहता है रवि ने उससे कहा कि तुम मेरा काम करोगी रवि ने उससे कहा कि तुम मेरा काम करोगी अब देखिए रवि टोल्ड हर दैट शी वुड डू दिस वर्क यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया यहाँ पर हम लोग कॉमा और कॉमा हटा करके की के लिए दैट का प्रयोग करते हैं रमेश ने मुझसे कहा रवि ने उससे कहा उससे मीन्स किसी लड़की से कहा ना तो हार हो जाएगा रवि टोल्ड हर दैट की के लिए दैट रवि टोल्ड हर दैट शी ये तुम, तुम के लिए, तुम के लिए? लड़की के लिए है तो शी वुड डू हिज वर्क कि क्या वह रवि ने उससे कहा कि तुम तो मेरा काम करोगी दूसरा नियम कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ की अंग्रेजी आस्क लगाते हैं जैसे अध्यापक ने उससे पूछा कि क्या बच्चे पढ़ रहे हैं द टीचर आस्क हिम इफ़ द चिल्ड्रेन वेयर स्टडिंग इसको आप बोल चाल की भाषा में भी प्रयोग कर सकते हो बोल चाल में भी इन सेंटेंसेस का प्रचलन है जैसे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम अब कहाँ जा रहे हो फादर मी वेयर आई वाज गोइंग देन पिता ने मुझसे कहा कि अब आपके लिए क्या होगा देन पिता ने मुझसे कहा कि तुम अब कहाँ जा रहे हो फादर मी वेयर आई वाज गोइंग देन इस प्रकार से इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बना देते हैं टेंस को बनाते हैं जैसे तीसरा एग्जाम्पल कह तीसरा रूल कहता है इम्परेटिव सेंटेंस में की की अंग्रेजी टू लगा देते हैं जैसे अध्यापक ने लड़कों को आज्ञा दी कि वे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ टू ओपन दियर बुक्स यहाँ पर की के लिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया सॉरी टू का प्रयोग कर दिया है तो हो जाएगा अध्यापक ने लड़कों को आज्ञा दी कि वे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ टू ओपन दियर बुक्स इसका दूसरा नियम कहता है माता जी ने मुझसे कहा कि मैं अंधेरे में ना जाऊं मदर मी नॉट टू गो इन द डार्क माता जी ने मुझसे कहा कि मैं अंधेरे में ना जाऊं मदर मी नॉट टू गो इन द डार्क इसका चौथा रूल कह रूल कहता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भाव के अनुसार विथ सारो या विथ इन्जॉय विथ जॉय लिखे जाते हैं जैसे व्यक्ति ने दुखी होकर कहा कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वॉज़ कंप्लीटली रिन्ड इस प्रकार से ये हमारे एग्जांपल्स इनको समझते चलिएगा इसका चौथा पाँचवा रूल कहता है रूल नंबर फिफ्थ कहता है ऑप्टेटिव ऑपटेटिव सेंटेंसेस में भाव के अनुसार प्रेड विष्ट या ब्लस्ड आदि लिखा जाता है जैसे उसने यह इच्छा व्यक्त की कि मैं सफल हो जाऊं। उसने यह इच्छा व्यक्त की ही विश्ड दैट मैं सफल हो जाऊं। आई माइट सक्सीड या फिर ही विश मी सक्सेस ये भी हो सकता है आप बोलचाल की भाषा में लिख सकते हैं उसने यह इच्छा व्यक्त की कि, कि मैं सफल हो जाऊं। ही विश मी सक्सेस ठीक है ना? इस प्रकार से हमको समझते चलना है तो ये था आपका सिंपल ट्रांसलेट करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे हमको ट्रांसलेट करने हैं तो सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद